गुजरात की बात करेंगे, फर्स्ट में 1960 इज अ फॉर्मेशन ईयर, जो गुजरात का फॉर्मेशन ईयर है वो है फर्स्ट में 1960। कैपिटल इज गांधीनगर, गांधीनगर इज द कैपिटल। चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहां पर हमें याद रखना पिनाराई विजयन इज अ चीफ मिनिस्टर। एंड ओम प्रकाश कोहली इज गवर्नर। टोटल डिस्ट्रिक्ट 33 है, लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीटों की बात करें तो वह 11 है। तो 33, 26 एंड 11 इज अ डीएलआर नंबर ऑफ द गुजरात। फिर दोबारा फोकस करेगा, व्हाट इज द डीएलआर नंबर ऑफ द गुजरात? सो गाइस आंसर इज द 33, 26 एंड 11। 33 रहे डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा सीट रही 26, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है। लार्जेस्ट सिटी इज अहमदाबाद। फिर मेरा क्वेश्चन आपसे, अहमदाबाद किस नदी के, किस रिवर बैंक पर है? किस रिवर बैंक पर है अपना अहमदाबाद, जरा प्लीज बता दीजिए। किस रिवर बैंक पर है अपना अहमदाबाद, जरा अगर बता पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। किस नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद? लेजिस्लेचर की बात करें, यूनिसेक कैमरल की बात, कैमरल की बात करें तो 182 सीट है यहां पर विधानसभा की। ये एग्जाम का क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इनको एड ऑन किया एडिशनल तौर पर। आई होप सो ये आपको इनिशिएट पसंद आ रहा होगा कि अब यहां पर हम विधानसभा की भी सीट डिस्कस कर रहे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है, जिस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है उस देश का नाम यहां पर पाकिस्तान है। एडिशनल तौर पर स्टेट की बात करें, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ये कुछ यूनियन टेरिटरी। अभी आएंगे एक बार मैप से और देख लेंगे, बट अभी तक स्टिल आंसर नहीं आया है, अभी तक आंसर नहीं आया है, मैं वेट कर रहा हूं। साबरमती रिवर, साबरमती रिवर की यहां पर बात करें, जिस नदी के किनारे बसा हुआ आंसर जो आ रहा है वो यहां पर आ रहा है साबरमती। ओके ओके ओके, देखते हैं यहां पर और बाकी सभी का स्टूडेंट का आंसर यहां पर क्या आ रहा है। ओके गाइस, विजय रूपानी ही है यहां पर चीफ मिनिस्टर, ओम प्रकाश कोहली गवर्नर, ये हम एडिशनल तौर पर देख चुके हैं। यहां पर आंसर आ चुका है, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अपना अहमदाबाद। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज फोकस करेगा, किस नदी के किनारे है, यह है अपना साबरमती नदी के किनारे है। सोमनाथ टेम्पल की बात करें, फेमस टेम्पल है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें, यह भी आपका फेमस है और मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहां है, तो वो आपको याद रखना है, यह आपका गुजरात राज्य में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। एक बार मैप के थ्रू और लोकेशन में आपको बता देता हूं, गुजरात की बात करें तो ये आपको गुजरात दिख रहा है। क्लॉकवाइज चलते हैं, राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये पार्ट पाकिस्तान के साथ इसका लग रहा है। और इधर आते हैं तो जिस यूनियन टेरिटरी की बात हो रही, दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली की बात करेंगे, यह यूनियन टेरिटरी। देखिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीन तो स्टेट रहे, दमन एंड दीव यहां पर एक यूनियन टेरिटरी, और दूसरी यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो उसका नाम यहां पर दादरा नागर हवेली है। अगर ये सारे एडिशनल पॉइंट क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर बिल्कुल क्लियर होता चल रहा है, छपता चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट के यहां पर मैं कमेंट रीड कर पा रहा हूं, सोनू, पूनम, शानू, किशोर, कार्तिक, दीक्षा, पंकज, पूजा एंड एवरीवन इज सेइंग यहां पर कि यस सर, यस सर, यस सर, छपता चल रहा है, क्लियर होता चल रहा है। बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या एडिशनल बातें हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक पार्क नेशनल पार्क, वजदा नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क, वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुरनाइन, जम्बू गोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर फोकस करेगा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक पार्क नेशनल पार्क, वजदा नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क, वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुरनाइन, जम्बू घोड़ा। अब करना क्या है, स्टार्टिंग के सिर्फ कीवर्ड उठा लीजिए, गिर फॉरेस्ट, ब्लैक पार्क, वजदा एंड मराइन, ये नेशनल पार्क से नौला लोकेटेड इन गुजरात, वर्धा, पुरना, जम्बू घोड़ा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। प्लीज फोकस करिएगा, फिर दोबारा बता रहा हूं, गिर फॉरेस्ट, ब्लैक पार्क, वजदा, मराइन, ये नेशनल पार्क है, एक लाइन में याद रखिएगा, बरना, पुरना, जम्बू घोड़ा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ऑल आर लोकेटेड इन दी गुजरात।